नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 अप्रैल 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नजर डाल लेते हैं कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। आज देखो, दो आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल यहाँ पे, क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होनी चाहिए, जो कि आज के समय में प्रोविजन है, या फिर आर्टिकल 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस को दूसरे शहरों में भी गठित करना चाहिए ताकि सिटीजन्स के लिए आसान बनाया जा सके और वो भी जस्टिस को आसानी से एक्सेस कर सकें। तो डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के कंसेप्ट के बारे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये आर्टिकल पॉलिटिक्स, नीचे पॉलिटिक्स, दूसरे पेज पे पॉलिटिक्स, सारे आर्टिकल्स पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस क्या सिर्फ दिल्ली में बैठनी चाहिए। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस सिर्फ दिल्ली में है, देश में और किसी सिटी में नहीं है। क्या देश के दूसरी बड़ी सिटीज में, फॉर एग्जांपल चेन्नई में, मुंबई में भी सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या संविधान का कोई आर्टिकल है इस चीज से रिलेटेड? जी हाँ, आर्टिकल 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट की सीट बैठेगी दिल्ली में, या फिर उन प्लेसेस पर जो कि डिसाइड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो दिल्ली में बैठेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ को दूसरी सिटीज में भी गठित किया जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद। देखो, ये जो आर्टिकल है ना, ये लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज के द्वारा, जिनका नाम है रूमा पाल। ये सुप्रीम कोर्ट की जज थी 2000 से लेके 2006 के बीच में। इनका कहना है मेरे कार्यकाल के दौरान एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के बाकी सिटिंग जजेस के साथ एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, अनौपचारिक मीटिंग हुई थी आर्टिकल 130 पर डिस्कशन करने के लिए, मतलब ये डिसाइड करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस दूसरी सिटीज में भी बैठनी चाहिए या फिर नहीं बैठनी चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सीट्स दूसरी सिटीज में भी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो इनका कहना है हम सब ने मिलकर उस समय डिसाइड किया था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सीट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही होनी चाहिए, दिल्ली के अलावा किसी दूसरी सिटी में सुप्रीम कोर्ट की सीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो डाइल्यूट हो सकती है। तो इस डर से हमने ये डिसाइड किया था कि सुप्रीम कोर्ट की सीट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होनी चाहिए। लेकिन आज रूमा पाल जब ये आर्टिकल लिख रही है, रूमा पाल कहती है कि हमारा वो डिसीजन गलत था। एग्जाम्पल देते हुए रूमा पाल कहती है, देखो विभिन्न हाईकोर्ट्स की बेंचेस जो हैं वो एक जगह पे नहीं है, कई जगह पे हैं। जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंचेस चार जगह पे हैं, मुंबई में है, औरंगाबाद में है, नागपुर में है, पणजी गोवा में है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की जो अथॉरिटी है वो डाइल्यूट कहीं से भी नहीं हुई है, इसलिए हमारा जो डिसीजन था कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी डाइल्यूट हो जाएगी अगर बेंचेस विभिन्न सिटीज में बैठेंगी, वो डिसीजन हमारा गलत था। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस हैं वो विभिन्न सिटीज में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देश के विभिन्न इलाकों के जो लोग हैं वो जस्टिस को एक्सेस कर सकेंगे। अब जैसे देखो, साउथ इंडिया में किसी को पिटीशन फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसको दिल्ली आना पड़ेगा, आने जाने का कितना खर्च लगेगा। तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं साउथ इंडिया में जो सोच लेते हैं, अरे नहीं यार, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं फाइल करेंगे, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो जस्टिस को एक्सेस कर ही नहीं पाते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इतना दूर आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में अगर पिटीशन फाइल की जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच चेन्नई में हो, हैदराबाद में हो, बेंगलुरु में हो, तो न जाने कितने साउथ इंडिया के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करना चाहते हैं वो पिटीशन फाइल आसानी से कर सकेंगे और जस्टिस को एक्सेस कर सकेंगे। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस सिर्फ दिल्ली में बैठती हैं और इसके तीन मेन बड़े नुकसान हुए हैं। सबसे पहला नुकसान देखो ये हुआ है, विभिन्न हाईकोर्ट्स के कई बहुत ही एक्सीलेंट वकील वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते ही नहीं हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है उनके क्लाइंट्स पर मॉनिटरी बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं। दूसरा,
दिल्ली में कोई भी वकील हो, कैलिबर और कॉम्पिटेंस कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, मतलब अच्छा वकील हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो लेते हैं सिर्फ इस एडवांटेज की वजह से कि वो दिल्ली में हैं। बहुत से वकील ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मोनोपोली इस्टाब्लिश कर ली है। एक एक तारीख पर अपीयर होने के लिए करोड़ों रुपए की मांग की जाती है और कई बार तो वो वकील अपीयर होते भी नहीं, भारी भरकम फीस लेके अपने जूनियर्स को भेज देते हैं। बहुत से वकील ऐसे भी हैं जो बार बार PIL को फाइल करते हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए। अब बात करते हैं तीसरे नुकसान की। सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस सिर्फ दिल्ली में बैठती हैं, इसका तीसरा नुकसान देखो ये हुआ है, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट पर। अगर देखो बेंचेस देश की दूसरी सिटीज में भी बैठेंगी थोड़ा बर्डन कम होगा ना, लेकिन अभी फिलहाल बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह काम करती है। वैसे सोचा यह गया था कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट जो होगी कोर्ट ऑफ फाइनल अपील होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है, बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है फिलहाल। इसके बाद राइटर काफ़ी कुछ लिखती हैं वकीलों के बारे में। राइटर कहती हैं, देखो बहुत से सिटीजन्स जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पाते और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हैं सिर्फ और सिर्फ अनएथिकल लॉयर्स। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात राइटर के द्वारा कही जाती है। वो कहती हैं कि लॉयर्स जो हैं वो सामान्यतः डिसऑनेस्ट होते हैं और ये बात सबको पता है। लॉयर्स को मजाक में झूठा भी कहा जाता है, लायर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार से मिडिल मैन का काम करते हैं जजेस के बीच और पब्लिक के बीच जो लिटिगेशन फाइल करते हैं। तो वकील एक प्रकार से डिसऑनेस्ट ब्रोकर्स का काम करते हैं। एक बार विलियम शेक्सपियर्स ने कहा था, पहली चीज हमें यह करनी चाहिए, हमें सभी लॉयर्स को मार देना चाहिए। राइटर कहती हैं, विलियम शेक्सपियर का ये जो कोट है ये तो देखो अनफेयर क्रिटिसिज्म है उन वकीलों का जिनके प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी वकील जो हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, बहुत से वकील ऐसे हैं जिनके प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सिटीजन्स की हेल्प करते हैं सही मायनों में, ताकि वो जस्टिस को एक्सेस कर सकें। लेकिन बहुत से वकील ऐसे भी हैं जिनके प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा लो हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा, कुछ वकील जो विक्टिम कंपनसेशन केसेस में स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब देखो किसी पर्सन को, ए पर्सन को कंपनसेशन लेनी है किसी केस में, तो बी वकील है, बी वकील ए को बोलेगा विक्टिम को कि मैं आपको कंपनसेशन दिलवा दूंगा और इसके लिए मैं आपको कोई आपसे कोई फीस नहीं लूंगा। तो ए तो खुश हो जाएगा कि बी वकील जो है काफी अच्छा है, मेरे से कोई फीस भी नहीं ले रहा है। लेकिन असल में बी वकील जो है वो कंपनसेशन में अपना हिस्सा लेगा, 50%, 40%, 60%, कितना भी। और विक्टिम पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते ऐसे वकील। जब खाता खुलवाया जाता है, बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है ए के द्वारा कंपनसेशन हासिल करने के लिए, तो वकील जो है या तो अपना नंबर दे देते हैं या फिर अपने असिस्टेंट का नंबर दे देते हैं, ताकि बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन्स हों उसका पता लग जाए वकील को। मतलब जैसे ही कंपनसेशन का पैसा आए पता लग जाए वकील को और वकील पहुंच जाए अपने क्लाइंट के पास और बोले कि मुझे कंपनसेशन का हिस्सा दे दीजिए। राइटर कहती हैं ये पूरी तरह से इल्लीगल है। अगर देखो कंपनसेशन में कुछ परसेंटेज, कंपनसेशन का एक बड़ा हिस्सा अगर वकील ले जाएगा तो फिर कंपनसेशन का औचित्य ही क्या? कंपनसेशन का औचित्य तो यही होता है ना, विक्टिम को पैसों की आवश्यकता है। लेकिन वकील जो विक्टिम की तरफ से केस लड़ रहा है, अगर वो 30%, 40%, 50% ले जाता है तो कंपनसेशन का पर्पज सर नहीं होगा ना। इसके बाद राइटर एक और एग्जांपल देते हैं। बहुत से वकील तो देखो क्या करते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि एक स्टेचरी बॉडी है जो गरीब लोगों को डिसएडवांटेज सेक्शंस को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, काफ़ी बार लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा विक्टिम को कंपनसेशन देने का अवार्ड दिया जाता है, मतलब विक्टिम को कंपनसेशन देने का आदेश दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी कई वकील क्या करते हैं, विक्टिम्स को कन्विंस करा लेते हैं झूठा ही कि आपको हाई कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, जब जाके आपको कंपनसेशन मिलेगी।
मतलब आसानी से कंपनसेशन मिल रही है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन फिर भी विक्टिम को कन्विंस करा लिया जाता है कि मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा और हाईकोर्ट में आप पिटीशन फाइल करोगे तो आपको कंपनसेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी, अदरवाइज कंपनसेशन लटक जाएगी। लेकिन वास्तव में वो फ्री सर्विस होती नहीं है। जब कंपनसेशन मिलती है तब परसेंटेज मांग ली जाती है वकील के द्वारा। सोच के देखिए, कंपनसेशन वैसे ही मिलने वाली थी लेकिन क्लाइंट्स को झूठा भरोसा दे दिया गया कि हाईकोर्ट में अपील फाइल करोगे तभी कंपनसेशन जल्दी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। शुरुआत में कहा कि मैं कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन जब एक्चुअल में कंपनसेशन मिलती है तो लाओ भैया मेरा 10%, 20%, 30% जितना भी वकील मांग लेता है विक्टिम से। तो ये तो साफ साफ एक प्रकार से धोखा हुआ, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद राइटर एक पॉइंट ये देती हैं, कोर्ट में देखो केसेस की जो पेंडेंसी बढ़ती जा रही है इसके लिए भी बहुत से वकील जिम्मेदार हैं। वकील जानबूझ के अगली तारीख मांग लेते हैं, एडजमेंट मांग लेते हैं, काफ़ी सारे वकील तैयारी करके नहीं आते, काफ़ी सारे वकील जानबूझ के केसेस को लंबा खींचते हैं क्लाइंट से पैसे लेके, ये भरोसा दिला के कि आपका केस लंबा चलेगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, तो उनके द्वारा तारीख मांग ली जाती है आगे की, और इससे केसेस की जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है, केसेस का निपटारा जल्दी नहीं हो पाता है। रिजल्ट देखो इन सब चीज़ों का ये हुआ है, आज के समय में बहुत से लोगों का जो विश्वास है वो वकीलों के ऊपर से उठ गया है। बहुत से जुडिशरी स्टाफ हो या फिर आम जनता हो, वो लेटर्स भेजती हैं जजिस के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। राइटर कहती हैं, मेरे पास बहुत से लेटर्स आया करते थे लेकिन जजिस के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता सभी लेटर्स को पढ़ना। लेकिन हमें सोचने की आवश्यकता है, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है? ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि कुछ वकील जो हैं वो डिसऑनेस्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे कुछ वकील खुले आम डिसऑनेस्ट होकर काम कर पाते हैं, अपने क्लाइंट को धोखा दे पाते हैं, क्या उन्हें डर नहीं है कार्रवाई का? राइटर कहती हैं, देखो 1960 से पहले वकीलों पे कार्रवाई करने का जो अधिकार था वो कोर्ट्स के पास हुआ करता था, यानी जजेस वकीलों के ऊपर कार्रवाई कर सकते थे अगर वकील अपने प्रोफेशन को ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन 1961 में एक एक्ट आया, एडवोकेट्स एक्ट 1961। इस एक्ट के अनुसार वो वकील जो अपने प्रोफेशन को ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो अधिकार था वो चला गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। अब आज के समय में वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है, कोर्ट्स के पास नहीं है। जजेस कार्रवाई नहीं कर सकते वकीलों के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है अपना काम इफेक्टिव ढंग से नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से बहुत से वकील खुले आम डिसऑनेस्ट होकर काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स को धोखा देते हैं। तो राइटर लास्ट में तीन सजेशंस देती हैं। पहला सजेशन तो देखो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस हैं वो ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के दूसरी बड़ी सिटीज में भी गठित होनी चाहिए, बैठनी चाहिए, लॉ कमीशन की 125वीं और 229वीं रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इफेक्टिव रूप से कार्रवाई करें डिसऑनेस्ट वकीलों के खिलाफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अनुसार, और अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वकीलों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का जो अधिकार है फिर से आ जाना चाहिए कोर्ट्स के पास, कोर्ट्स इफेक्टिव रूप से डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगी डिसऑनेस्ट लॉयर्स के अगेंस्ट। तीसरा सजेशन राइटर के द्वारा यह दिया जाता है, लॉयर्स को इररिलेवेंट बना दो। जैसे देखो अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित जो डिस्प्यूट है उसको सोल्व करने के लिए मीडिएशन का रास्ता अख्तियार किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मीडिएटर्स का एक पैनल बनाया गया है जिसमें तीन सदस्य हैं। इसी प्रकार से जुडिशरी कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को सोल्व किया जाए मीडिएशन की सहायता से, ताकि लॉयर्स को इररिलेवेंट बनाया जा सके। तो राइटर के जो व्यूज़ हैं लॉयर्स के बारे में थोड़े एक्सट्रीम हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई वकील इस आर्टिकल के खिलाफ आर्टिकल लिखे। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस को दिल्ली के अलावा दूसरी सिटीज में भी गठित करने की आवश्यकता है, इसे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है 250 वर्ड्स में। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल म्यूचुअली एसोर्ड डिस्ट्रक्शन के कंसेप्ट के बारे में है, यानी MAD के बारे में है, म्यूचुअल एसोर्ड डिस्ट्रक्शन। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसे ही इंडिया ने मिशन शक्ति के अंदर एंटी सैटेलाइट वेपन का सफल एक्सपेरिमेंट किया, तो बहुत से हमारे सेकुलर्स और एक्सपर्ट्स ने कहा ये टेस्ट हमारे लिए ज़रूरी था डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि भविष्य में कोई भी देश, फॉर एग्जांपल चाइना, हमारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत ना करें। चाइना को ये पता होना चाहिए अगर हम इंडिया के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो इंडिया के पास भी इसी प्रकार का वेपन है, इंडिया भी चाइना के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस डर से चाइना इंडिया के सैटेलाइट्स पर अटैक करेगा नहीं और हमारे सैटेलाइट्स सिक्योर रहेंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या हुआ, ये पूरा कंसेप्ट हुआ डेटरेंस का, यानी हमने डर पैदा कर दिया अपने दुश्मन देश के अंदर कि आपने हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इस प्रकार का वेपन हमारे पास भी है, आपको भी कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं डेटरेंस का। देखो, USA ने इराक के ऊपर अटैक किया 2003 में, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया 2001 में, नॉर्थ कोरिया तो इतनी बड़ी बड़ी धमकियां देता है USA को, फिर नॉर्थ कोरिया को सबक सिखाने के लिए USA नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक क्यों नहीं करता? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। USA को पता है अगर हमने नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक किया तो हमें कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। यही डर USA को रोकता है नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करने से। तो टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो डेटरेंस का मतलब यह है जब हम अपने एडवर्सरी के एक्शन को रोकते हैं ये डर दिखा के कि अगर आप एक्शन लोगे तो आपको कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, तो उन कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचते हुए आपका दुश्मन देश आपके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। तो ये कंसेप्ट है डेटरेंस का। अब देखो, डेटरेंस के अंदर ही एक कंसेप्ट है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का। देखो, कोल्ड वॉर में दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, USA के पास भी और USSR के पास भी। USA को यह पता था अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं USSR के ऊपर तो बदले में USSR भी हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, इसका रिजल्ट यह होगा कि USSR भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इस डर से ना तो USA ने USSR के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि USA को पता था अगर हमने किया तो वो भी करेंगे, दोनों देश तबाह हो जाएंगे। तो USA ये नहीं चाहता था कि USA भी तबाह हो जाए, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया USSR के ऊपर। और USSR को भी इस बात का पता था अगर हमने USA के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो बदले में वो भी करेंगे, तो रिजल्ट ये निकलेगा वो भी तबाह हो जाएंगे और हम भी तबाह हो जाएंगे। तो ये जो डर था कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का, कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है तो दोनों देश तबाह हो जाएंगे, इसी डर ने रोका रखा दोनों देशों को और दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से सेकुलर्स ऐसे हैं जो क्रेडिट देते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के कंसेप्ट को, जिसकी वजह से कोल्ड वार जो था वो हॉट वार में तब्दील नहीं हुआ। देखो, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का जो कंसेप्ट है वो आज के समय में भी विभिन्न देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा पुलवामा में अटैक के बाद इंडिया के द्वारा जब कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान के ऊपर, तो बदले में पाकिस्तान ने भी ये दर्शाने की कोशिश की कि हमने भी कार्रवाई की है इंडिया के ऊपर और हमारे पायलट को कैप्चर कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो पाकिस्तान में ये डर था कि इंडिया अब जरूर रिटालिएट करेगा और युद्ध हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी, ये डर दिखाने की कोशिश की थी कि देखो, न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास भी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास भी हैं, अगर युद्ध हो जाता है तो दोनों देश तबाह हो जाएंगे, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये डर दिखा के इमरान खान इंडिया को कार्रवाई करने से रोकना चाहते थे। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का जो कंसेप्ट है आज भी इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न देशों के द्वारा। और देखो, कुछ सेकुलर्स जैसा हमने डिस्कस किया ये मानते हैं
कि म्यूचुअली एसोर्ड डिस्ट्रक्शन का जो कंसेप्ट है वो पीस लेके आता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ। कुछ सेकुलर्स कहते हैं दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों देशों को डर है कि अगर युद्ध होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है, दोनों देश तबाह हो सकते हैं, इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो है वो नहीं होता। 1999 में जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो एक लिमिटेड कन्फ्लिक्ट था, फुल फ्लेज वार नहीं था। अगर बड़े स्केल पे वार होगा तो दोनों देश तबाह हो जाएंगे क्योंकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये जो डर है वो वार होने ही नहीं देता इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ऐसा मानना है कुछ एक्सपर्ट्स का। देखो, आज से 100 साल पहले कुछ साइंटिस्ट या फिर वो राइटर्स जो साइंस फिक्शन लिखते हैं, उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे हथियारों का निर्माण हो जाएगा जिसका डर इतना ज़्यादा होगा कि उन वेपन्स का इस्तेमाल अगर होता है तो तबाही इतनी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से वार होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये था कि ऐसे हथियारों का निर्माण हो जाएगा कि जिनके इस्तेमाल से इतनी ज़्यादा तबाही मचेगी, उस तबाही के डर से विभिन्न देश वार करेंगे ही नहीं। जैसे देखो, अल्फ्रेड नोबल ने भी कहा था 1867 में जब डायनामाइट का इन्वेंशन हुआ था, उन्होंने कहा था अगर देखो ऐसा दिन आता है जब दो देशों की आर्मी, फॉर एग्जांपल ए और बी, दो देश हैं, ए देश की आर्मी दूसरे देश को डिस्ट्रॉय कर सकती है सेकंड्स में और बी देश की आर्मी दूसरे देश को डिस्ट्रॉय करती है सेकंड्स में, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में युद्ध नहीं होगा। दोनों देशों की जो आर्मी है वो युद्ध नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें पता है अगर युद्ध होगा तो दूसरा देश हमें तबाह कर देगा और पहले देश को भी यही लगेगा कि अगर युद्ध होता है तो दूसरा देश हमें तबाह कर देगा। तो इस डर से युद्ध नहीं होगा और दोनों देशों की जो आर्मी है वो अपने अपने बैरक में लौट जाएंगी। उनका इशारा था न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ। इस प्रकार से देखो, हमने डेटरेंस का पूरा कंसेप्ट समझा, हमने म्यूचुअली एसोर्ड डिस्ट्रक्शन के कंसेप्ट को समझा और हमने कुछ सेकुलर्स के व्यू पॉइंट को समझा, कैसे वो कहते हैं कि म्यूचुअली एसोर्ड डिस्ट्रक्शन के कंसेप्ट ने वार नहीं होने दिया, वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश की है। अब राइटर अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करते हैं। राइटर कहते हैं देखो, युद्ध तो वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स के निर्माण से वर्ल्ड में शांति आ गई है, अभी भी बहुत सी जगह पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन विभिन्न देशों के बीच, कई सारे देशों के बीच एक रेस जरूर देखने को मिल रही है न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की। जैसे ईरान न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करना चाहता है, लीबिया पहले न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करना चाहता था, इराक न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करना चाहता था, और काफ़ी सारे देशों के बीच जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी न्यूक्लियर वेपन्स की रेस देखने को मिलती है। मतलब ये सोचा गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण हो जाएगा तो पीस इस्टैब्लिश होगी, पीस नहीं इस्टैब्लिश हो पाई है, युद्ध नहीं बंद हुए हैं, युद्ध आज भी होते हैं। एक साल में पूरे वर्ल्ड में $1.7 trillion के आसपास खर्चा होता है आर्म्स पर। आज के समय में देखो टोटल न्यूक्लियर वार हेड्स की संख्या है 15,000 से लेकर 20,000, और ये न्यूक्लियर वार हेड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं उन न्यूक्लियर वेपन्स से जिनका इस्तेमाल यूएसए के द्वारा किया गया था 1945 में। यानी जो तबाही 1945 में मची थी जब यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया था, उससे तो देखो 100 गुना ज़्यादा तबाही मचेगी आज के समय में विभिन्न देशों के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यूएसए और रशिया के ऑलमोस्ट 1800 न्यूक्लियर वेपन्स तो बिल्कुल हाई अलर्ट की स्टेट में हैं, उन्हें लॉन्च किया जा सकता है कुछ ही मिनटों में। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार 2017 में वायलेंस की वजह से $14.76 trillion का नुकसान हुआ वर्ल्ड की इकोनॉमी को, जो ग्लोबल जीडीपी का 12.4% है। और ये आंकड़ा देखो 2012 से लेकर अभी तक 16% बढ़ चुका है, मेनली सीरिया, अफगानिस्तान और इराक में कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है देखो, इजरायली पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट हो, सीरियन वार हो, या फिर कोलंबिया में 50 सालों तक कन्फ्लिक्ट चला, यहाँ पर तो डेटरेंस के कंसेप्ट ने काम नहीं किया। ये कंसेप्ट कितने सालों से चले आ रहे हैं, 50-50 सालों से ये कन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं। पैलेस्टीन इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट को ऑलमोस्ट 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इवन इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट की आप बात कर लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट तब से चला आ रहा है जब दो देशों के बीच बंटवारा हुआ है, लेकिन डेटरेंस के कंसेप्ट ने काम किया, नहीं भी किया लेकिन कुछ सेकुलर्स के अनुसार किया भी, जिसकी वजह से अभी हाल ही में टेंशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं
अगर देखो डेटरेंस का कंसेप्ट काम करता इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ प्रोक्सी वार जो चला रहा है टेररिज्म को प्रमोट करके वो नहीं चलाता। इसका मतलब ये है कि डेटरेंस के कंसेप्ट ने काम नहीं किया है। तो मतलब अलग अलग सेकुलर्स की अलग अलग राय है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार देखो जो पीसफुल कंट्रीज हैं वहां पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ काफी ज्यादा है, मतलब जिन देशों में शांति है वहां की जो जीडीपी है बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। इसी वजह से पिछले 10 सालों में 102 कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को कम कर दिया है। बान की मून जो यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने 2009 में कहा था वर्ल्ड जो है वो ओवर आर्म्ड है, यानी हथियारों पर ज्यादा खर्च किया जाता है वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज के द्वारा, लेकिन पीस पर कम खर्च किया जाता है, पीस जो है वो अंडरफंडेड है। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया गया था कि अब वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज पीस पे खर्च करेंगे, लेकिन देखो ऐसा नहीं हुआ। आज भी वर्ल्ड में 20,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पूरे वर्ल्ड में ये खतरा बना रहता है कहीं किसी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना हो जाए, इवन एक्सीडेंटल यूज का खतरा जो है वो भी बना रहता है। देखो एक संस्था है आईकैन, पूरा नाम है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इस संस्था ने काफी अच्छा काम किया। 2017 में इस संस्था की बदौलत यूएन में एक ट्रीटी आई थी प्रोहिबिटिंग यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और इनके अच्छे काम के लिए इनको 2017 में नोबल पीस प्राइज दिया गया था। इन्होंने कहा था देखो जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से बहुत से देश न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करना चाहते हैं। वो देश जिनके पास फिलहाल न्यूक्लियर वेपन्स हैं अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दें तो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की इच्छा नहीं रखेगा। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया है। जो देश एक बार न्यूक्लियर वेपन को हासिल कर लेता है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के बीच। अब जैसे देखो इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया को कोई बोल दे कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन को छोड़ दीजिए, बदले में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को छोड़ देगा, तो क्या इंडिया पाकिस्तान पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार से पाकिस्तान इंडिया पर विश्वास नहीं करेगा। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये ऐसा होने नहीं देता कि सभी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दें। लास्ट में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है देखो ये जो म्यूचुअली एसोर्ड डिस्ट्रक्शन का कंसेप्ट है ना, ये दो धारी तलवार है। मतलब ये कहना कि इस कंसेप्ट से पीस इस्टैब्लिश होती है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। म्यूचुअली एसोर्ड डिस्ट्रक्शन के कंसेप्ट से युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है। हमेशा वर्ल्ड के जो लोग हैं वो इस डर के साए में जीते हैं कहीं कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना हो जाए। असली पीस कब इस्टैब्लिश की जा सकती है? असली पीस इस्टैब्लिश तब की जा सकती है जब बिल्कुल रूट में जाया जाए, जड़ में जाया जाए, विभिन्न देशों के बीच जो शत्रुता है वो किस वजह से है उनको अगर सोल्व किया जाए ना, तब पीस इस्टैब्लिश की जा सकती है। सीधा सा एग्जाम्पल है, कुछ सेकुलर्स ये कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों को पता है कि युद्ध होता है तो दोनों देश तबाह हो जाएंगे, ये जो डर है रोकता है दोनों देशों को युद्ध करने से, इस वजह से पीस रहती है। लेकिन राइटर कहते हैं देखो ये कोई बात नहीं हुई, ऐसे पीस इस्टैब्लिश नहीं हो सकती लंबे समय तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तबाही का जो डर है वो युद्ध होने से नहीं रोक सकता लंबे समय तक। युद्ध जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच लंबे समय तक तभी रुकेगा जब दोनों देश जड़ में जाएंगे कि दोनों देशों के बीच विवाद की जो जड़ है वो क्या है। जड़ देखो कोई भी हो सकता है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट के अनुसार टेररिज्म जो है वो जड़ है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स क्रिएट होती हैं और युद्ध की सिचुएशन आ जाती है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करना बंद करे तो युद्ध की सिचुएशन नहीं आएगी और लंबे समय तक पीस रहेगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ये है जो आपको लिखना नहीं है आंसर में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कश्मीर एक इशू है, लेकिन इंडिया कहता है कश्मीर एक इशू नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कश्मीर जो है वो इंडिया का एक अभिन्न अंग है। मेन पॉइंट राइटर का यहां पे ये है, आप जड़ में जाइए कि किन इश्यूज की वजह से टेंशन्स क्रिएट होती हैं, किन इश्यूज की वजह से युद्ध की सिचुएशन आती है। अगर आप रूट काजेस को सोल्व करोगे तो युद्ध कभी नहीं होगा दो देशों के बीच। तो ये एक जवाब है राइटर का उन सेकुलर्स को जो कहते हैं म्यूचुअली एसोर्ड डिस्ट्रक्शन का जो डर है वो युद्ध होने से रोकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
म्यूचुअली एसोर्ड डिस्ट्रक्शन के कंसेप्ट के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने दो इश्यूज पर फोकस किया, एक सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस को क्या दूसरी जगहों पर भी गठित करना चाहिए, दूसरा म्यूचुअली एसोर्ड डिस्ट्रक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।